हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे असूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। वैसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है तथा जनक कोशिका एवं संतति कोशिका में गुण सूत्र समान हो, तो ऐसे विभाजन को असूत्री विभाजन कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। मतलब वैसा सेल जिसमें दो सेल का उससे प्रोड्यूस होता है, दो सेल उससे बनता है, तथा जो प्रोड्यूस यानी कि जो जनक सेल होता है यानी कि जो जनक कोशिका होती है उस कोशिका के गुणसूत्र और जो प्रोड्यूस करती है उस कोशिका के गुणसूत्र समान होती है। और इसका जो पॉइंट है ये है कि असूत्री विभाजन क्षतिग्रस्त कोशिका में होता है। इस प्रकार के विभाजन को कोशिकीय पदार्थ बराबर भागों में नहीं होता है। और ये जो विभाजन है ये क्षतिग्रस्त यानी कि जो कोशिका खराब हो चुका है उसमें यह विभाजन होता है। और अगला पॉइंट है यह कि यह विभाजन जीवाणु कोशिका में होता है तथा प्रोटोजोआ ईस्ट फंगी संधारी के भ्रूण झिल्ली में होती है। यह विभाजन जो है जीवाणु में होता है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि प्रोटोजोआ ईस्ट फंगी स्तनधारी कोष के भ्रूण झिल्ली में होता है। और उसका अगला पॉइंट है इस प्रकार के कोशिकीय विभाजन में स्पेंडल फाइबर एवं क्रोमोसोम का निर्माण होता है। यानी कि इस प्रकार के विभाजन में जो है स्पेंडल फाइबर हम तो समझे ना आप कि एवं क्रोमोसोम का निर्माण होता है। आप डायग्राम बना दिया मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का देख सकते हो। अब हम देखेंगे समसूत्री विभाजन। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो तथा प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है तो उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये भी सिमिलर ही है, लेकिन ये जो समसूत्री विभाजन होता है ये सभी जीवों में होता है, सभी जीवों में होता है और वो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बट इसमें जो इसमें वही चीज़ है कि इसमें जो सेल प्रोड्यूस करेगा दूसरे सेल को उसका गुणसूत्र और जो प्रोड्यूस किया उसका गुणसूत्र दोनों का, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो 46 है ना, यहाँ पे 46 दोनों का जो ये सेम होता है। और ये जो जो सेल प्रोड्यूस करता है उसको डॉटर सेल बोलते हैं। संतति कोशिका जो प्रोड्यूस करता है उसको प्रतित कोशिका बोलते हैं, यानी कि जो जनक कोशिका भी आप उसको बोल सकते हैं। इसके जो पॉइंट है समसूत्री विभाजन का खोज पादप कोशिका में रास्ट्रासबर्गर तथा जंतु कोशिका में डब्ल्यू विफलिंग ने किया। ये दोनों का खोज ये दोनों साइंटिस्ट ने किया था। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन सेल की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात जनक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या तथा पुत्री संख्या में कोशिका की संख्या बराबर होती है। मैंने आपको यहाँ पहले बता दिया कि जो प्रोड्यूस करेगा और जो प्रोड्यूस कर रहा है दोनों की क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र दोनों का सेम रहेगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।